दोस्तों, मैं आज सुबह से रील देख रहा हूँ। वैसे तो मैं रील रोज ही देखता हूँ, लेकिन आज इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे भी रील आने लगे, मेरा होश उड़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि रील ऐसे भी होते हैं। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये स्टोरी बताना कैसे स्टार्ट कर दिया वीडियो चालू होते ही। तो दोस्तों, मैं जान रहा हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका स्वागत कर ही देता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से ठीक ही हूँ। भाई देखो, बात ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई देखो, लेकिन सच में रियल की दुनिया रील की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि रियल की दुनिया के लोग बहुत ज्यादा मतलबी और जलने वाले होते हैं। साले कुछ अच्छा करना चाहो तो जलते हैं, साले हर चीज पे जलते हैं। भाई तू जलते क्यों हो? तुम भी पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, जलने की जरूरत नहीं है बेटू, समझा क्या? नहीं, अरे इधर रील की दुनिया देखो कितनी मजेदार शानदार है। मैंने तो सच ही बोला है। ये क्या है? रील की दुनिया रियल वाली दुनिया से बहुत ज्यादा अलग और मजेदार है। रील की दुनिया में क्या है? इंस्टाग्राम पर रील आई है, बनाओ पंद्रह मिनट। कोई ग्रिप नहीं है इसके पास, ये लौंडा हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई? 15 सेकंड की रील बनाओ, मौज करो, पोस्ट करो, फिर देखो धड़ाधड़ लाइक कमेंट, और आप भी करो इस चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से जब सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे बताऊंगा जल्दी। हाँ करो। रियल वाली दुनिया में किसी को कुछ बोल दो तो साले बुरा मान जाते हैं। कल मैं अपने घर में बैठकर चाय बिस्किट खा रहा था, एक दोस्त बगल में बैठा हुआ था, तो मेरे हिस्से का बिस्किट निकाल कर खाने लगा। तो मैंने उसको बोल दिया कि साले जब खिलाने की औकात नहीं होती तो निकाल कर खाते क्यों हो बे? बुरा मान गया यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब समझ ना आए करे तो क्या करे, क्या बताओ आप? बताओ, मैंने ठीक ही बोला ना? तू पागल है क्या? किसी को कुछ बोल दो तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो हमको प्रॉब्लम। अरे भाई करो यार, करना है जो करो साले, हट। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। 4 साल पहले की बात है, सन 2018 की, जब मेरे पास मोबाइल आया, स्मार्टफोन आया, तब मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता ही नहीं था। मैं सोचता था इंस्टाग्राम होता क्या, फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई इंस्टाग्राम ये होता है, इसमें रील बनती है, 15 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो अच्छी अच्छी आती है, हम इसे बनाकर पोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने बोला चलो डाउनलोड कर ही लेते हैं। 2 साल बाद जब मैंने खुद का मोबाइल लिया, इंस्टाग्राम रील पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था, मैंने बोला चलो बनाकर देखते हैं। मैंने एक वीडियो पोस्ट की, 2-3 हज़ार लोग देखने लगे, दूसरी पोस्ट की, भाई ये तो बहुत सारे देखने लग जाते हैं। हमारे इंडिया में इतने वेले वेले लोग हैं कि साला कुछ पोस्ट करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो, देखने वालों की कमी नहीं है। फिर मैं सही रील बनाते बनाते इतना ज्यादा इंस्टाग्राम में घुस गया, इतना ज्यादा रील की दुनिया में मैं घुस गया कि भाई देखो रील एक नशा है, ये मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। कि मैं भी इसी तरह एकदम रील की दुनिया के चक्कर में पड़ गया, मैं रील के नशे में पड़ गया, रील के नशे में उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के रील 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 दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ रील रील रील। मैं रील के नशे में इतना ज्यादा डूब गया कि जहाँ कुछ भी मैं कुछ रील देखता था सारा रिएक्ट करना स्टार्ट। एक दिन तो मैं सो रहा था, मेरे सपने में भी रील आने लगा। अरे भाई साहब, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा किसी के चक्कर में पड़ो। लेकिन एक बात बता दूं, रियल वाली दुनिया से रील वाली दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है, रील वाली दुनिया में साले जो अनजान है वो भी पसंद कर रहे हैं, जो जान रहे हैं वो भी पसंद कर रहे हैं, भले ही बात हो या ना हो। लेकिन रियल वाली जिंदगी में साले जो जान रहे हैं वही गाली देके भाग जाते हैं, तो अनजान क्या करेंगे भाई, वो तो गाली देंगे। माया ओ, मैं रील में इतना ज्यादा डूब गया था कि इसको इतना ज्यादा एंजॉय करता था, मैं कैसे एंजॉय करता था आप देख ही सकते हैं। अरे ओ मैडम, वायर दो, कनेक्शन लगाना है। Ever since I left. ओ मैडम, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे नहीं दोगे? रुक, तेरे को बताते तेरी। तो दोस्तों, हम सुबह उठते हैं तो मेडिटेशन हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें दिन भर की शांति देता है, दिन भर हम शांत रहते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे मन की शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो हम ओम का जाप करेंगे, कैसे? आओ मेरे साथ, आप भी ओम का जाप करो।
अबे साले तो दोस्तों मैं चला नहाने, मैं मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। आप लोग भी नहा लिए होंगे, ठंड में इतना जल्दी कौन नहाता है भाई। चलो थोड़ा कपड़ा ही चेंज कर लेते हैं इनके जैसे। दानी चलते प्यार सोनिए, दानी चलते प्यार, अक्खां में सुरमा काला जैसे इसने किया। ऐदा नी चलते प्यार सोनिए, दानी चलते प्यार, अक्खां में सुरमा काला, बुला दे लारे नी, मुंह ते मुस्कारा झूठा, चुप दे। अरे क्या है ये। तो दोस्तों इसी तरह जब रील मिलता है तो बनाने का मन नहीं करता, और जब बनाने का मन करता है तो रील नहीं मिलता। जतन धूप लगे आवे। अबे साले भाग यहाँ से भाग। भैया। हाँ भैया। हाँ भंडारे में खिचड़ी मिल रहा है। खिचड़ी मिल रहा है, चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। गाड़ी चला, गाड़ी चला। मम्मा मिया सुअर का टाटी ताला सुन रही है। जब आज नगोरी झने अब तरसा तन मन भींग जाए, तन मन भींग जाए, दहुरिया तन मन भींग जाए, मन के बिराला चांद ते हवा मुदे रही बे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को चैनल को सबको लाइक कमेंट शेयर भी कर देना गाइस।